गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम लोग सुबह सुबह जाने वाले हैं हमारे कॉलेज के दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मेरा कॉलेज मेरे घर से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है एंड मेरे दोस्त उससे भी ज़्यादा दूर रहते हैं कॉलेज वाले। तो आज हम लोग बावधन जाने वाले हैं। बावधन इज़ ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस, तो हमको 1 घंटा तो जाने में लगेगा, बट इट्स ओके, आज बहुत फन होने वाला है। मेरे को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है एंड मैंने बहुत टाइम से खेला नहीं है, तो इट्स गोना बी अ फन डे। तो या फटाफट से जाते हैं एंड आई विल सी यू गाइस एट बैडमिंटन। एंड देन घर आने के बाद हम अपना रेगुलर थोड़ा काम करेंगे एंड देन दिन में जिम जाएंगे बैक ट्रेन करने के लिए। तो या सी यू गाइस। स्टार्टिंग आज का पुल डे विद लैट पुल डाउन्स, 3 सेट्स करेंगे 10 to 12 reps। पहले सेट का गोल वुड बी टू गेट 9 reps विथ 82 kgs। मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि हमको लास्ट टाइम 8 reps हमने मेंटेन किया था, टुडे आई एम गोना पुश फॉर वन मोर, लेट्स गो। गुड सेट, जो टारगेट था वो अचीव हुआ एंड नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि हम 9 reps ही मेंटेन करेंगे, बिकॉज ये फास्ट फाइनल जो रेप था वो थोड़ा सा नॉट एज गुड एज इट कुड हैव बीन था। तो या दो और सेट एंड देन मशीन ड्रॉ करेंगे। ओके, फाइनल सेट ऑन लैट पुल डाउन्स, गोल इज 10 reps 68, लेट्स गो। फाइनल सेट है तो थोड़ा एंड में पार्शल्स भी करूँगा, फुल ऑल आउट। फायर सेट भाई, मजा आया। अभी आई थिंक 3 to 4 sets ऑन अ चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो, रियडल्स बैक डे ओवर। ओके, सेकेंड मूवमेंट ऑफ द डे जैसा मैंने बोला, चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोज, 3 set करेंगे 8 to 10 reps के लिए। लास्ट बैक डे पे हमने 54 kg से 10 complete reps लाए थे, इसलिए आज मैं 61 डालने वाला हूँ एंड होपफुली हम एक एटलीस्ट 6 rep लाएँ, उसके ऊपर जो है वो एक बोनस रहेगा एंड देन वही 6 reps को स्लोली +1 +1 +1 करते रहते हैं, हम 10 पे लेके जाएंगे एंड वो प्रोसेस रिपीट 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 हो जाएगी। इजी प्रोग्रेस, सिंपल, लेट्स गो। Thank you.
आई थिंक वो सिक्स सिक्स एंड हाफ रिप्स के आसपास थे। आई एम हैप्पी। अभी थोड़ा वेट ड्रॉप करेंगे, थोड़ा और कंट्रोल करेंगे वेट को, एंड देन वील गेट टू नाइस गुड सेट्स। लेट्स गो। ओके, फाइनल सेट ऑफ द डे रियर एडल्ट फ्लाइज पे। मैं दो सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज रियर एडल्ट्स पे तो प्रोग्रेस नहीं मिला। आई थिंक वी वेंट अ लिटिल हैवी ऑन रोइंग टुडे, उसकी वजह से रियर एडल्ट्स थोड़े फटी हो गए, बट इट्स ओके, चलता है। फाइनल सेट में गोल इज टू गेट 8 reps या 7 reps एक्चुअली विथ 33 kgs, एंड देन एक अच्छा सा ड्रॉप सेट करेंगे एंड वील फिनिश। उसको थोड़ी पोजिंग ऑब्वियसली, एंड देन वील गो होम। तो लेट्स गो। आज एक्चुअली बैक डे खत्म करने से पहले मैं थोड़े श्रग्स करूँगा एंड देन विल गो। बहुत दिनों से श्रग्स नहीं किए, एंड कल किसी ने तो बोला था कि भाई तुम्हारे ट्रैप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई ताकि कॉम्प्लीमेंट आता रहे वापस श्रग्स मारना स्टार्ट करते, तो लेट्स गो। वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। जिम से आने के बाद एक्चुअली बहुत काम किया था। हम लोग अगले वीक में 2 सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले हैं, तो मेरा दोस्त नाइजल आया था घर पे जो गिटार बजाता है। उसने काफ़ी मतलब हमने साथ में काफ़ी प्रैक्टिस करी एंड हमने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी करी जो इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा उसका छोटा सा ग्लिम्प्स। एंड अब हम जा रहे हैं पढ़ने बैठने के लिए, क्योंकि कल सुबह सैटरडे है एंड हमारा वर्किंग सैटरडे है, तो कल थोड़ा ख़राब दिन होने वाला है। हमको अभी से मालूम है क्योंकि मेरे सिर्फ 2 लेक्चर हैं एंड एक लेक्चर 11 AM to 1 PM है, दूसरा लेक्चर 5 PM to 7 PM है। तो मुझे 1 से 5 के बीच में कॉलेज में बस बैठना पड़ेगा, कुछ काम नहीं होगा। इसलिए मैं अपना थोड़ा असाइनमेंट असाइनमेंट लेके जाऊँगा जो मुझे कंप्लीट करना है। तो अभी थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं और देन उसके बाद प्रॉब्ली एक गाने का आपको वीडियो लिखेगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। तो या आई सी यू गाइस आफ्टर दैट।
बेहाल है, दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे ही क्यों चाहिए, दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, शामो सुबह तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, हर मर्तबा तू चाहिए, जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा तू चाहिए। That's it for आज के वीडियो। कल मिलेंगे एक फन लिटल लेग डे के लिए, एंड कल का दिन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, लेट हो गया काफ़ी, 12 बज गया, बट इट्स ओके। कल हमको ट्रेनिंग करने भी जल्दी जाना पड़ेगा, सब कुछ कल जल्दी करना पड़ेगा यार, मज़ा नहीं आ रहा, बट इट्स ओके, वी मूव ऑन। सी यू गाइस टुमारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑफकोर्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, लीव इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आंसर कर दूंगा, या यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम @devrajpant_, वहाँ पर मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ रिप्लाई करने के लिए, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा खोलता ही नहीं हूँ। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस टुमारो।